अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंटेंट की पोस्ट जो कि BPS 14 और UC सेक्रेटरी की पोस्ट जो कि BPS 11 ग्रेड की है, इनका ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर देखें, करंट अपडेट्स में आपको दो ऑप्शंस शो होंगे, एक है अकाउंटेंट का और दूसरा है UC सेक्रेटरी का। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली कुछ इस टाइप का एक यूज़र इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, आपने नीचे ये जो साइन अप का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आपने हार्ड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे के वो आपने जो फॉर्म सेंड किया था वही आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अपना नाम लिखें, अपनी ईमेल एड्रेस लिखें, एक पासवर्ड आप लिखें और अपना मोबाइल नंबर लिखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें देने के बाद आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक्टिवेशन का एक यानी कि जनरेट लिंक आएगा। ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपका ये जो अकाउंट है वो वेरीफाई होगा, एक्टिवेट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा वापस आना और यहाँ से अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। ठीक है, अपनी ईमेल और पासवर्ड से, वो पासवर्ड जो कि आपने साइन अप के दौरान आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था ना, वो आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना तो आपके पास बेसिकली इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप दोनों में आपने अप्लाई किया है और दोनों का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले आप जो है वो BPS 14 ग्रेड का जो है वो अकाउंटेंट की पोजीशन है इसके लिए हम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, अपना नाम लिखें, अपने फादर का नाम लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, CNIC नंबर लिखें। ठीक है, उसके बाद नीचे आए और यहाँ पर आपने अपनी जेंडर चूज़ करनी है और यहाँ से अपना रिलीजन आपने चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपनी एड्रेस देनी है, वही एड्रेस जो कि आपने अपने हार्ड फॉर्म में दी थी। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद नीचे आपने आना, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, यहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। ठीक है, BBA या BCOM जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने बतानी है। उसके बाद नीचे यहाँ से जो है वो क्या कह रहे हैं कि प्लीज़ अटैच क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर जो है ना आपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन सा है। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ से जो है ना आपने आपकी जो IBA का एनरोलमेंट यानी कि सीट नंबर जो था वो आप लिखेंगे, IBA में आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने इनका जो कार्ड होता है रिजल्ट का, यानी कि आपके जो पोर्टल पे आपने जो है वो फ़ी पे करके डाउनलोड किया था वो आप यहां से अपलोड करेंगे। उसके बाद लोकेशन में आप जो है वो अर्बन या रूरल के हैं वो चूज़ करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज़ नो करेंगे। उसके बाद आप सिंपल फॉर्म को सबमिट करेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। उसके बाद आप अगर आप जो है वो UC सिक्योरिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। सिंपल तरीक़ेकार है, वही अपना नाम लिखें, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें, CNIC नंबर लिखें, जेंडर चूज़ करें। ठीक है, और अपना रिलीजन यहाँ से चूज़ करें और उसके बाद यहाँ से अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करें। उसके बाद यहाँ से अपनी एड्रेस बताएँ और नीचे हम थोड़ा आते हैं तो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल एड्रेस बतानी है, क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें और यहाँ से जो है वो आपने सीट नंबर लगाना है अपनी IBA का एनरोलमेंट का। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी ऑब्टेन मार्क्स बतानी है कि कितनी है। उसके बाद यहाँ से जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जो कि आपके पोर्टल पे इशू हुआ था वो अपलोड करेंगे, यहाँ से अर्बन या रूरल है वो आप चूज़ करेंगे और यहाँ से आपने सिंपली सबमिट करना है। ये है तरीक़ेकार ऑनलाइन अप्लाई करने का, बहुत ही आसान है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।